नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। पुरकाजी गांव हरिनगर से खुदाई कर निकाली गई तोपसूली वाला बाग पुरकाजी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत प्रतिनिधि मंडल के साथ आज सूली बाग पहुंचे। वहां पर रखी तोप पर फूल माला चढ़ाते हुए सलामी भी दी। चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि पुरकाजी चेयरमैन के अंदर देशभक्ति का जुनून है, यहाँ से तोप का हटाना शहीदों का अपमान होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला अधिकारी को दिया ज्ञापन। शिक्षकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक महासंघ के सभी शिक्षकों को सरकार अपनी मर्जी से अंतर जनपदीय स्थानांतरण कर देती है। सरकार एसी में बैठे कर सभी फैसले लेती है, जिससे सभी शिक्षकों को स्थानांतरण के समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार हर बार आश्वासन देती है, लखनऊ के मैदान में भी हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी को बुलाया वार्ता करने के लिए, लेकिन केवल आश्वासन दिया गया, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो आज का भी हमने 21 तारीख को आकस्मिक अवकाश लेकर के दिया हुआ था, लेकिन सरकार ने हमें किसी भी काम का तो नहीं दिया, तो हमें ये धरना देना पड़ा है। उसमें हमारी प्रायोरिटी पर मांग पुरानी पेंशन लागू करे हैं, कर्मचारियों को मिलती है, हमें भी मिलनी चाहिए। प्रेरणा ऐप लागू किया है, जो कि प्रेरणा ऐप शिक्षकों के लिए एक पास बना हुआ है, वो शिक्षकों के लिए एक सम्मान तो हम लोग का खत्म हो ही गया है, लेकिन उससे क्या है, शिक्षक नौकरी करनी बहुत कठिन हो जाएगी, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारी विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, एसी में बैठ के ये लोग नियम बना देते हैं, वहां पर जाकर देखें कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। बहुत सारी हमारे यहाँ अंतर जनपदीय स्थानांतरण है, जो मृत काशी में शिक्षक का पद, जो शिक्षक के की मृत्यु हो जाती है उसकी जगह उसको फोर्थ क्लास में उसके आश्रित है उसको नौकरी दी जाती है। हमारा है कि शिक्षक का पद अगर खत्म हुआ है, टीचर खत्म हुआ है, तो उसको आश्रित अगर एलिजिबिलिटी रखता है योग्यता रखता है, उसको भी शिक्षक की नियुक्त किया जाए। इस तरह हमारी 16 सूत्रीय मांगे हैं, अगर अभी भी सरकार नहीं चेतती है, नहीं मांगती है, तो हमारे इस तरह के धरने कायम रहेंगे, ताकि हमारे प्रांतीय जो नेटवर्क है उसका हम फॉलो करते रहेंगे। और आज ज्ञापन जिलाधिकारी जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे, इसके बाद भी। मध्य प्रदेश जिला शाजापुर तहसील काला पिपल के अंतर्गत ग्राम खैर खेड़ी में एक शिक्षक द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति होने पर बच्चों को स्प्रे में भेंट की। शिक्षा सत्यनारायण लेव द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति होने पर बच्चों को बैग वितरण भी किए गए। बस्ती जिले के सदर विकासखंड के अंतर्गत बेलहरा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने स्मृति में कैनवस बाल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन जिला पंचायत सदस्य राम प्रकाश चौधरी ने फीता काट कर किया। वहीं आपको बता दें कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। मैच कुसुमहुआ नेवदा के बीच खेला गया। नागौर के ग्राम पंचायत भूनी के नव चयनित सरपंच मंजू चौधरी ने सरपंच पद पर ग्रहण करते ही सबसे पहले जनता की समस्याओं का किया निवारण। हमारी एक नज़र उन समस्याओं पर जिनकी गुजारिश आज जनता ने सरपंच से ही की। वहीं दूसरी ओर सरपंच मंजू ने समस्याओं को जल्द ही समाधान करने का वादा किया, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों पर एक नज़र की। ग्राम पंचायत भूनी का ये है गोगोर गांव, जहां के नागरिक बताएंगे कि यहां जो सरपंच 5 साल रहेंगे उनसे किस तरीके का विकास कार्य जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम? दीपाराम। दीपाराम, आप बताएंगे कि आप जो अभी सरपंच है इनसे किस प्रकार का कार्य चाहेंगे? हम इस सरपंच साहब से ये कार्य चाहते हैं कि एक तो हमारा गांव शौच मुक्त नहीं हुआ है, तो शौच मुक्त के लिए भी हमने यह उम्मीद है कि ये हमारे गांव को शौच मुक्त करवाएगा। एक हमारी भूणी से जो ग्रेवल लोड है, पंचायत से गांव वो जुड़ा हुआ नहीं है, ये भी हमारे को सबसे बड़ी उम्मीद है। एक हमारे गाँव के छोटे मोटे जो काम है उनके सहयोग हो जाएगा। वर्तमान में जो सरपंच है आप उनसे किस प्रकार के विकास कार्य की उम्मीद रखते हैं? नाली बनवाना चाहते हैं मेन वार्ड में, बाजार में। और कोई बड़ी समस्या है जो आपको अभी ज्वलंत में नजर आ रही है? अभी गांव में आवारा पशु बहुत घूम रहे हैं, इसको आवारा पशुओं को जो गौशाला होती है उसके अंदर
उसको गौशाला के अंदर है शिफ्ट किया जाए। चिकित्सा को लेकर के आप किस प्रकार का विकास कार्य करा पाएंगे अपने पंचायत में? मेडिकल की दवाइयों की सुविधा करवा देंगे। और अगर स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए तो स्वच्छता किस तरीके से अपनी पंचायत में रखने वाले हैं आप? गाँव में नालियों का विकास करेंगे और